हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा होम्योपैथी में। आज के सेशन में हम जानेंगे गोल्ड से बनी एक ऐसी होम्योपैथी दवाई के बारे में जो आपकी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकती है। इस मेडिसिन को प्योर गोल्ड से बनाया जाता है और ये मेडिसिन आपके हार्ट पर, आपके ब्रेन पर, आपके बोन पर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे होम्योपैथी की ऑरम मेट मेडिसिन के बारे में। ये मेडिसिन आपकी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकती है, बशर्ते आपको इसकी पर्सनालिटी को पहचानना होगा। यानी ऑरम मेट के लोग कैसे होते हैं, कैसे उनका बिहेवियर होता है, ये सभी बातें केस स्टडी करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी पेशेंट के माइंड सिम्टम और बॉडी सिम्टम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर बार की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, आप लोग कॉपी पेन को अपने पास में लेकर के बैठिएगा ताकि आप लोग ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकें। इस मेडिसिन का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट पर किया जाता है जो जीवन को जीना नहीं चाहते, जीवन से हार मान जाते हैं। वो किसी भी कारण से हो सकता है। अगर किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है तो वो जीवन से हार मान सकते हैं। अगर किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है तो वो जीवन से हार मान सकते हैं। ऐसे में पेशेंट सुसाइड करना चाहेगा। ऐसी सभी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस मेडिसिन को सही ढंग से समझने के लिए पहले हम इसके माइंड सिम्टम के बारे में जानेंगे। यानी पेशेंट की हेल्दी स्टेज में पर्सनैलिटी कैसे होती है और बाद में पेशेंट की क्या कंडीशन हो जाती है। ये सभी बातों को अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप सही ढंग से पहचान पाएंगे कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको किस पेशेंट पर करना है। देखिए, आप में से जो लोग होम्योपैथी फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं उनको सबसे पहले एक बात जाननी चाहिए। होम्योपैथी में दवाइयाँ पर्सनैलिटी के बेसिस पर दी जाती हैं। यानी पेशेंट की प्रॉपर केस स्टडी की जाती है। पेशेंट का बिहेवियर कैसा है, उनको क्या खाना पसंद है, क्या नहीं खाना पसंद है, प्लस उनकी प्रॉब्लम कब बढ़ती है, कब घटती है, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है। एक बार पेशेंट की पर्सनालिटी समझ में आ जाए तो आपको ये भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पेशेंट को बीमारी कौन सी है। उनकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप सिर्फ उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से दवाई को सिलेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे कि माइंड सिम्टम कितने इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं और आज की मेडिसिन के बारे में जानते हैं। ऑरम मेट। इस मेडिसिन को प्योर गोल्ड से बनाया जाता है और ठीक वैसे ही इस मेडिसिन की जो पर्सनैलिटी होती है वो भी प्योर गोल्ड की तरह होती है। यानी ऐसे लोग बहुत ईमानदार होंगे, उनके जीवन में बहुत सादगी होगी। इसके अलावा ये लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी फैमिली की बहुत केयर करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स की। ऐसी पर्सनालिटी दूसरों को बिल्कुल भी दुख नहीं दे सकती। यानी ये लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ पहुँचे। इन लोगों की पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होती है, यानी ये लोग खुद में रहते हैं। इन लोगों को देख करके ही आप बता सकते हैं कि ये लोग प्योर गोल्ड हैं। ऐसे लोग मन के बहुत अच्छे होते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, हर किसी की हेल्प करते हैं और किसी काम के लिए भी ना नहीं करते। अगर कोई भी व्यक्ति इन्हें अपना काम देगा तो वो उस काम के लिए ना ही नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है ना बोलने से सामने वाले व्यक्ति को दुख होगा, इसलिए वो हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी पर्सनालिटी अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होती है। ऐसी पर्सनालिटी के अंदर एक आदत होती है, अगर इनकी फैमिली में या इनके ऑफिस में कोई भी गलती हो जाए तो इन्हें लगता है कि वो गलती इनकी वजह से हुई है। यानी ऐसे लोग हर गलती के पीछे खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी वजह से ऐसा हो गया। ऐसी पर्सनालिटी ओवर सेंसिटिव भी होती है। यानी छोटी छोटी बातें ये लोग अपने दिल पर लगा लेते हैं। इनके माइंड में क्या चल रहा है ये शायद इनके फैमिली मेम्बर को भी नहीं पता चलता। अगर ये किसी भी बात से परेशान है तो ये अपना दुख दूसरे को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और मन में बातों को रखने की वजह से इनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये लोग कभी भी अपने दुख को दूसरे को एक्सप्रेस ही नहीं करते। अगर इन्हें किसी भी बात का बुरा भी लगा है तो वो उस बात को अपने मन के अंदर ही रखेंगे और वो मन में ही परेशान होते रहेंगे।
तो ऐसी पर्सनालिटी होती है ऑरम मेट की नॉर्मल कंडीशन में, यानी जब ये लोग हेल्दी होते हैं। अब ये लोग बीमार कब पड़ते हैं ये भी आपको समझना होगा। ऐसी पर्सनालिटी बीमार तब पड़ती है जब इनके इतना अच्छा करने के बाद भी इनको वैल्यू नहीं मिलती, इनकी फैमिली में इन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती या कोई इन पर ब्लेम लगा देता है, तो ऐसी कंडीशन में ये लोग बीमार हो जाते हैं और इनको लगता है कि अब जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। इस स्टेज में ऐसी पर्सनालिटी के अंदर सुसाइड के थॉट सबसे ज़्यादा आते हैं। देखिए, होम्योपैथी में सुसाइड थॉट को लेकर 4 इम्पॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बताया गया है। पहली 2 ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट के अंदर सुसाइड के थॉट तो बार बार आते हैं, लेकिन दूसरे साइड पेशेंट मरने से भी डरता है। वो 2 मेडिसिन है नक्स वॉमिका और आर्सेनिक एल्बम। वहीं दूसरे साइड 2 ऐसी मेडिसिन भी है जिसमें पेशेंट सुसाइड करने की सोचता नहीं है, वो बहुत बार इसे अटैम्प्ट कर चुका होता है। वो 2 मेडिसिन है नाजा और ऑरम मेट। ऐसे पेशेंट देखने में एकदम नॉर्मल लगेंगे, इनके फैमिली मेम्बर को भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है तो आपको इन मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये पेशेंट को इमोशनली बैलेंस कर देती है और उनके अंदर जो सुसाइड करने के थॉट आते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये मेडिसिन ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसे केस में आपको इसकी हाई पोटेंसी को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है जब पेशेंट सुसाइड नहीं करता लेकिन वो अपने घर को छोड़कर संन्यास ले लेता है। ऐसी कंडीशन में भी अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस कंडीशन में पेशेंट को लगता है कि दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। अगर ऐसे थॉट किसी भी पेशेंट के आते हैं तो इस कंडीशन में आपको ऑरम मेट मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये उनको इमोशनली बैलेंस कर देगी और उनके थॉट को पॉजिटिव रखेगी। देखिए, इस मेडिसिन को आप लोग ऐसे समझिए, जब भी कोई भी ऐसा पेशेंट आपके क्लिनिक में आए जिसको अपनी लाइफ में कभी भी धोखा मिला हो और उसके बाद वो अपने मन से हार गया हो और जीना बिल्कुल भी नहीं चाहता, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। देखिए, कई बार ऐसे केस भी आपके पास आ सकते हैं जब पेशेंट मन से हार जाए और उसके बाद उनकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे, यानी बॉडी के अंदर डीजनरेशन होना शुरू हो जाए। ऐसे पेशेंट की बोन यानी हड्डियाँ सड़ने लगें, ऐसी कंडीशन में भी अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको इसकी 30 पोटेंसी का इस्तेमाल करना है, 4 ड्रॉप दिन में 3 बार। आप इसे कुछ दिन तक इस्तेमाल करें ऐसे केस में जहाँ पर पेशेंट मन से हार जाए और बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगे। ऐसी पर्सनैलिटी रिलीजियस होती है, यानी भगवान पर इनको बहुत भरोसा होता है। ये जब भी स्ट्रेस में आते हैं ये लोग भगवान के गाने सुनते हैं, इससे इनको बहुत आराम मिलता है। ये मेडिसिन उन बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है जिनको ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली में कद्र नहीं होती, उनका जीना बेकार है, तो ऐसे पेशेंट पर भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी। देखिए, ऑरम मेट की जो पर्सनालिटी होती है वो हर काम में खुद को टॉप पर रखना चाहती है। उन्हें लगता है कि अगर वो टॉप पर नहीं रहेंगे तो उनकी फैमिली में और सोसाइटी में वैल्यू नहीं होगी। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग ऐसे पेशेंट पर भी कर सकते हैं जिनको हार्ट में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो। पेशेंट आपको आकर बताए कि ऐसा लगता है कि हार्ट कभी कभी रुक गया है और फिर नॉर्मल हो जाता है। अगर पेशेंट की इस तरीके से कंप्लेन रहती है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे पेशेंट पर भी बहुत अच्छा वर्क करेगी, लेकिन केस स्टडी करते वक्त आपको पेशेंट के माइंड सिम्टम को भी देखना होगा। प्लस कई बार पेशेंट किसी भी बीमारी की वजह से कोई मेडिसिन लेना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि कोई मेडिसिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब पेशेंट इस तरीके से हार मान लेता है तो भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसे केस में भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। इसके अलावा इस मेडिसिन का यूज़ आप लोग ऐसे पेशेंट पर भी कर सकते हैं जिनको रात के टाइम पर बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम हो और दिन के टाइम उनका बीपी नॉर्मल हो जाता हो। इस मेडिसिन की जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो ठंड में बढ़ती है और रात के टाइम पर बढ़ती है, और दिन के टाइम में ऐसे पेशेंट को आराम रहता है। इसके अलावा पेशेंट को गर्म चीज़ों से आराम आता है, क्योंकि ऑरम मेट एक चिली मेडिसिन है तो पेशेंट की सारी प्रॉब्लम ठंडी चीज़ों से बढ़ती है।
सो फ्रेंड, आई होप आपने इस मेडिसिन के बारे में काफ़ी कुछ नई बातें जानी हो। अगर आप लोग इसी तरीके की और भी होम्योपैथी दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई सेशन। इफ़ यू रियली लाइक इट, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।